सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर, तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पूरी दुनिया में कोरोना की वबा ख़त्म नहीं हुई है, मध्यम ज़रूर पड़ रही है और यही कैफियत सऊदी अरब में भी है, जहां पर कोरोना की वबा जारी है और कल भी 2000 के करीब नए केसेस आए थे और कल 27 अमवात हुई थी। इसी पस मंज़र में हज का वक्त आ गया है और हुकूमत सऊदी अरब ने इस हज के मौके पर, जो कि कोरोना के ज़माने का हज है, खसूसी इंतज़ाम किए हैं। महदूद पैमाने पर हाजी बुलाए गए हैं जो कि जिनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से ही है। आम तौर पर हमने देखा है कि औसतन 25 लाख मुसलमान पूरी दुनिया से इस मौके पर सऊदी अरब में मौजूद होते हैं और वो अरकान हज अदा करते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, मुख्तलिफ सूरत हाल है, इसके लिए सऊदी अरब से ही लोगों को इजाज़त दी गई है कि वो हज करें और इसके लिए महदूद तादाद को रखा गया है। मुख्तलिफ आदादोशुमार सामने आ रहे हैं, 1000 से लेकर चंद हज़ार तक लोग हज अदा करेंगे और इसके लिए इंतज़ामात का भी आगाज़ कर दिया गया है और इसके लिए जो हाजी हैं कल से वो मिना पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हिफाजती इंतज़ामात भी किए गए हैं, इंतज़ामी इंतज़ामात भी किए गए हैं। इस दफ़ा आम सूरत हाल की तरह से कैंप्स में हाजी नहीं रहेंगे, लेकिन सफाई सुथराई का अमल भरपूर अंदाज में किया गया है। हज की तैयारियाँ माशाल्लाह शुरू हो चुकी हैं। कोरोना ज़माने का हज है, इसके लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए, मगर ज़ायरीन सही की हर मंजिल पर यकीनन ज़रूर मौजूद होंगे। समाजी फासला बरकरार रखने के लिए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। मुतफ और सफ़ा और मरवा की जगह को ज़ायरीन के लिए, तवाफ़ के लिए और सही के लिए, हर तवाफ़ और सही के बाद उसको सैनिटाइज़ करने का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा हर साल की तरह इस वक्त भी गिलाफ़ काबा को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया है, जैसे कि हमेशा होता है, और ये तीन मीटर इसको ऊपर कर दिया जाता है, वो भी किया गया है। खाने काबा की दीवारों और हजरे अस्वद को मुअत्तर किया गया है, मगर इस दफ़ा हजरे अस्वद को छूने की इजाज़त नहीं होगी। बाकी इंतजामात अपनी जगह भरपूर अंदाज में किए गए हैं। गैर मामूली हालात में गैर मामूली हज इंतजामात हैं और क्योंकि ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम फरीज़ा है, बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्ज़ है। कोशिश सऊदी अरब की हुकूमत ने यह की है कि दुनिया भर की रिप्रेजेंटेशन हो सके और इसके लिए सऊदी अरब में मुकीम मुसलमानों को ख़ास तौर पे मौका दिया गया है कि वो हज में शरीक हों। इसके लिए अब ये तमाम जो हाजी हैं ये जद्दा में मुकीम हैं और कल इन्हें मिना लेके जाया जाएगा। इंतजामात किए हैं सऊदी हुकूमत ने और जैसे मैंने कहा कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली हज है, इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। जद्दा जाएंगे जहाँ पर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाहिद नईम मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद नईम साहब, आप बताइएगा कि क्या होने वाला है कल, जो अरकान हैं वह बाकायदा हज के उसका आगाज़ होगा, हज का कल से आगाज़ हो जाएगा, तो क्या इंतजामात किए गए हैं, कितने लोग हैं जो हज करेंगे? ज़ाहिर है कि तमाम वो लोग हैं जो मुकीम सऊदी अरब में हैं। जी कामरान साहब बहुत शुक्रिया। इस साल 106 ममालिक के मुकीमीन जो यहाँ सऊदी अरब में हैं, उनमें से 30% जो है वो हज अदा करेंगे और इसके साथ साथ 70% जो है सऊदी होंगे। वजारत हज ने और हजरत रोमा ने, आला और इदारान ने, उनके और महकमे शहरी आबादबाजी के लोगों ने तमाम इंतजामिया ने इसके सारी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। सिक्योरिटी, सेहत और मुख्तलिफ इदारों ने इंतहाई जावा प्रोग्राम तैयार किए हैं। उसके लिए वजारत हज ने और मक्का में आजमीन हज को ठहराने के लिए इंतजाम ये किए थे कि जहाँ वो मीना रवानगी से कबल क्याम करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे 4 ज़िलहज से 8 ज़िलहज तक। दूसरी जानब मक्का मुकर्रमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मना मुज़फ़्फ़रपुर और अरफात में ऑपरेशन प्लान जो जारी कर दिया है। कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इकदाम किए गए हैं और जमरात पुल जहां शैतानों की घंकरियां मारी जाती हैं उसकी इतना मरम्मत और उसे इस्तेमाल करने के तौर तरीकों का इंतजाम कर लिया गया है। और साथ साथ सऊदी वजारत सेहत ने मुकदसा में हर कैंप की लियाकत तिब्बी अमला मुकर्रर कर दिया है और आदमी के हर ग्रुप के साथ तिब्बी अमला होगा जो उन्हें इमदाद और रहनुमाई फराहम करेगा। कल से ये मुकद्दस फरीजा शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद नईम, हमारे साथ जद्दा से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पिशावर का BRT मंसूबा, शैतान की आंत बन गया है ये,
पीटीआई के लिए भी और पीटीआई की केपी की हुकूमत के लिए भी बारह वादे किए जा रहे हैं। अब तो ये खबर आई है कि शायद 2020 में भी ये नहीं चलेगा। पीटीआई के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का मामला है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि ये मंसूबा इस साल में नहीं चल पाएगा? पूछेंगे हम केपीआई हुकूमत के एक अहम वजीर से छोटे से वक्त पर। वेलकम बैक। बीआरटी मंसूबा पेशावर का पीटीआई हुकूमत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सर दर्द बन गया है। इसे कलंक टीका कहा जाए तो कब ना होगा। पीटीआई ने पिछली हुकूमत में, जबकि उसकी सूबाई हुकूमत थी, विफाक में हुकूमत नहीं थी, इस मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था। उसी अंदाज का ये प्रोजेक्ट था जैसे कि पंजाब में शुरू किए गए थे, और इसके लिए कहा गया था कि अप्रैल 2018 में ये लॉन्च कर दिया जाएगा और पेशावर में बीआरटी चलनी शुरू हो जाएगी। मगर अनगिनत डेडलाइंस उसके बाद आई, अनगिनत बार इसके लिए पीटीआई के बड़ों ने वादे किए और अल्लाह अल्लाह करके ये अब फैसला ये हुआ था कि इस साल अगस्त में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ये पीटीआई की हुकूमत के आने के तकरीबन दो साल बाद का ये तारीख दी गई थी, मगर अब से चंद मेरे ख्याल में कल इस बात का ऐलान कर दिया गया है पीटीआई हुकूमत की जानिब से कि फ़िलहाल ये नहीं हो रहा और अब अगले साल पेशावर का बीटीआर मंसूबा जो है, बीआरटी मंसूबा जो है, वो लॉन्च किया जाएगा। ये पहला मौका नहीं, इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के बाद पीटीआई ने अगर पेशावर में बड़े मंसूबों की बात की है, केपी में किसी सबसे बड़े मंसूबे की बात की, और यकीनन सबसे बड़ी सरमायाकारी भी इसी मंसूबे में है, तो उस हवाले से उसने मुख्तलिफ तारीखें दी हैं। एक तारीख वो है जो कि रकम हुई इंतखाबात से पहले बीआरटी के हवाले से। मेरी जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ उस दिन मीटिंग हुई, उन्होंने भी जिम्मेदारी से कहा है कि हम इसको 6 महीने में मुकम्मल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और ये दुनिया का फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ बीआरटी होगा, ये एक रिकॉर्ड होगा दुनिया का। नहीं माना रिकॉर्ड, उसके बाद इंतखाबात हो गए, दोबारा पीटीआई की हुकूमत बन गई और फिर नए वादों का सिलसिला शुरू हो गया। आई थिंक अभी तकरीबन 80-85% काम जो है वो हो गया। आई एम कॉन्फिडेंट कि 23 मार्च को हम एक सॉफ्ट लॉन्च उसका कर सकेंगे। तो मेन कॉरिडोर है जो बीआरटी का है, वो हम समझते हैं कि वो मार्च तक इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाए। टेस्टिंग है वो इंशाल्लाह 23 मार्च को हम करेंगे, जिसको हमने सॉफ्ट ओपनिंग करना। मेरे अपना जाती जो ख्याल है 2-3-4 महीने में ये कंप्लीट हो जाए। बीआरटी एक हमारी वो है हुकूमत की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट थी, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द उसको कंप्लीट करा सके। हमने कोशिश की हुई है और उस पर हमारा फोकस है, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको जल्द अज जल्द कम्प्लीट कराए। इंशाल्लाह 23 मार्च को ये इलाज कराएंगे। 23 मार्च को इंशाल्लाह हम जरूर सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे। अगर ये उसमें उन्होंने दोबारा कोई और डेट रख दी और ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो 23 मार्च को मैं आऊँगा और फिर 23 मार्च को मैं आपको बताऊँगा कि मेरा लाया मल क्या है और मैं क्या फैसला करता हूँ। न सिर्फ ये कि इस मंसूबे की तारीखें बदली, क्योंकि इसकी तमाम प्लानिंग बहुत ही हैफेजर्ड और अनप्रोफेशनल तरीके से हुई थी। इसके डिज़ाइन को भी बदला गया और इससे इसकी लागत में इजाफा हो चुका है, 2 गुना इसमें इजाफा हो चुका है और अब ये तकरीबन 70 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। यकीनन एक बहुत बड़ा मंसूबा और इसकी बार बार इसकी तारीखों में इसको लॉन्च करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत बड़ी सबकी, बहुत बड़ा सरदर्द और बहुत बड़ा इशू है। इस पर एक बार फिर बात करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई की केपी में हुकूमत के वजीर ख़जाना जनाब तैमूर झगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब, आपने फिर हमें ज्वाइन किया। एक बार फिर हमें बीआरटी के मंसूबे में बात करनी है, एक बार फिर मेरे वही सवाल हैं और अभी फिर मैं आपसे पूछूँगा कि अब क्या हो गया। मुझे पता है कि पिछले 3 महीने चले कोविड के हालात ख़राब रहे, तो आपकी अगस्त की डेडलाइन के बजाय ये अक्टूबर नवम्बर में हो जाता, लेकिन एक बार फिर ये तो पूरा साल स्लिप होता हुआ दिख रहा है जो अभी पीटीआई हुकूमत की जानिब से कहा गया। कामराज साहब, आई एम नॉट क्लियर कि किसने और कब कहा है, मैंने रिकन्फर्म किया। हमने एक इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया था कुछ टाइम पहले कि हमने डेडलाइंस इसमें नहीं अनाउंस करनी। जैसे आपने खुद दिखाया कि अगर एक शायद गलती हुई वो थी इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में डेडलाइंस का कंसिस्टेंटली अनाउंस करना जब उसमें कुछ कम्प्लेक्सिटी थी। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज भी देखा है, और अगर आप पेशावर में आजकल जाएं तो रूट्स पे कंसिस्टेंटली जो है वो बसेस की टेस्टिंग और कमिशनिंग की टेस्टिंग जो है वो हो रही है। तो आई डोंट वांट टू पुट अ नंबर ऑन इट, लेकिन अभी वही बिल्कुल जो माइनर निगल्स बिफोर द कंप्लीशन जो है वो होते हैं वो होंगे,
तो ये तो हो सकता है कि डेट में प्लस माइनस जो है जो हम इंटरनली देख रहे हैं दो तीन हफ्ते ज्यादा या दो एक दो दिन कम या ज्यादा वो हो सके, लेकिन इन पर्टिकुलरली ओवर द लास्ट 3-4 मंथ्स तो क्वाइटली आराम से जो है जब से कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी काबू में आई तो ये फिनिशिंग टचेस पे काम कंसिस्टेंटली रहा और इंशाल्लाह आई होप। तो अब क्या प्लान किया है जग जी? देखिए जी, मैं इसलिए एक डेट या डेडलाइन ऑफिशियली नहीं देना चाहता, लेकिन जो आपने कहा कि जो हमारी एम्बिशन थी कि इसको जो है इसी साल में बल्कि उसी टाइम फ्रेम में जिसमें आपने कहा कि उसी में इसको इनॉग्रेट करें या इसमें इसको रोल आउट करें, वी आर आइदर ऑन ट्रैक और वेरी क्लोज टू दैट डेडलाइन। गोया के आप 2020 इंशाल्लाह इसी साल में, ये चले हम तारीख नहीं मांगते, हम महीना नहीं मांगते, इसी साल में लॉन्च हो जाएगी, चल पड़ेगी इंशाल्लाह। हाँ जी, देखिए जब आप कमिशनिंग की तरफ जाते हैं तो आपको वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स नजर आते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन की फेज में नहीं नजर आते, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के या ऐसे ऑपरेशनलाइजेशन के, और वो आप साथ साथ जो है वो ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन एक जो बड़ी खुशाइन बात है, अगर आप आजकल जाए तो जैसे मैंने कहा बसेस की टेस्टिंग फुल फ्लो में, लेकिन बिल्कुल आई थिंक वेल साहब देखिए अब तो मैंने बहुत ही रिलैक्स्ड आपसे सवाल पूछा है, मुझे बड़ा हैरत हो रही है कि आप इसका भी जवाब नहीं दे रहे। 2020 में चल पड़ेगी या नहीं? इंशाल्लाह बिल्कुल, मैं तो यही आपको कह रहा हूँ कि वेल विद इन द एंड ऑफ द ईयर चल पड़ेगी। कोशिश हमारी यही होगी कि जो आपने डेडलाइंस बताए, जो भी मेरे ख्याल में इनफॉर्मली दिए गए थे अगस्त के अगस्त में सितंबर में जो है इसकी कमिशनिंग और इनॉग्रेशन। झगड़ा साहब देखें, ये प्रोजेक्ट एनालिसिस, प्रोजेक्ट ड्यू डिलिजेंस, इस पूरी गवर्नमेंट में आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपका सारा करियर मैकेंजी का है, आप ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, आपके आपने इतना बड़ा ये करियर है, इसमें आप अगर आप एनालिसिस ना कर सकें कि इसके साथ क्या हुआ, और उसके बाद मैं आपसे पूरे साल की रिलैक्स्ड कहूँ कि झगड़ा साहब मुझे आप तारीख ना दें, महीना भी दे दें, फिर आप महीना भी ना दें, तो ये बड़ी हैरत की बात है। आप नहीं दे पा रहे तो फिर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। मैंने कहा आप महीना तो दें ना, तारीख ना दें, साल के अंदर ही, और हम कोशिश करेंगे कि अगस्त सितंबर में ही जो है इसकी इनॉग्रेशन हो इंशाल्लाह। That's a good news, that's a fantastic news, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे अगस्त सितंबर चले, हम पूरा सितंबर आपको देंगे और फिर सितंबर में आपसे बात करते हैं। तैमूर झगड़ा साहब ने हमें नई तारीख दी है, कहते ये हैं कि इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में BRT पिशावर लॉन्च हो जाएगी, ये एक नई और बड़ी ताज़ा तरीन डेडलाइन है। तैमूर झगड़ा साहब का सारा करियर जो है वो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में गुजरा है, मैकेंजी से ताल्लुक़ है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं KP के, और अगर ये बात कह रहे हैं तो लेट्स होप कि ये ऐसा हो जाएगा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कल अचानक हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि पूरे पंजाब में कारोबार को 8 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, आइंदा बुध तक के लिए। इसका शदीद रद्दोमल हुआ है, कारोबार, दुकानें, मंडियां सरापा एहतजाज हैं, और यकीनन इस पर बहुत ही गर्मा गर्मी की कैफियत है, इसका जिक्र करते हैं छोटे से वक्त हुआ। अल्लाह ताला का ख़ास करम है पूरे पाकिस्तान में और बहुत ख़ास तौर पर पंजाब में कोरोना केसेस में बड़ी कमी आई है, अमवात में कमी आई है, इन्फेक्शन रेट में बहुत कमी आई है, हर लिहाज से कोरोना काबू में नज़र आता है। इसी वजह से हुकूमत पंजाब कुछ नर्वस नज़र आती है कि कहीं बकरीद के मौके पर लोग ईद उल फितर की तरह से बहुत ज़्यादा बाहर ना निकल आएँ, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलना जुलना ना शुरू कर दें, एक बार फिर भीड़ें बाज़ारों में देखने में ना आएँ और सारे किए किराए पर पानी ना फिर जाए। इसके लिए कल अचानक ऐलान कर दिया गया कि 9 रोज़ का लॉकडाउन होगा पंजाब में, तमाम कारोबार, मंडियां, शॉपिंग मॉल्स, तमाम बड़े बाज़ारों को बंद कर दिया गया। यकीनन इसका रद्दअमल हुआ है और शदीद रद्दअमल हुआ है। ताजिर कहते हैं कि हमारे माशी शहरक को काटने की कोशिश की गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़माना है हमारे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। पहले ही बुरी तरह से कारोबार मुतासर हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये ताजिर समझते हैं कि इस फैसले से जिसके ज़रिए कि ईद के इन अहम दिनों में शॉपिंग को बंद कर दिया गया है, यकीनन उनके लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा, इसके लिए बिफर गए हैं ताजिर। आज हमने देखा फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट और दूसरे शहरों में, कई बड़े शहरों में जो है ताजरों में बेचैनी भी है और शदीद एहतजाज की कैफियत भी।
दिन के अंदर अंदर ये लॉकडाउन खत्म करें, वरना ये पूरा फैसलाबाद आपको बाहर नजर आएगा। मैंने आके सारे नजायज मारे, आके पूरी गली मारिया, देखो नजायज हम बंदे फड़ फड़ के लेके जा रहे हैं। हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? हुकूमत कहती यह है कि ये आखिरी बार आवाम हमारे साथ तआवुन कर लें। अल्लाह करे कि जिस तरह के काबू की कैफियत नज़र आ रही है कोरोना की, ये ईद की छुट्टियों में भी ये बरकरार रहे और आगे चल के फिर हुकूमत जो है वो फिर खोलने पर आ जाएगी, यानी कि तमाम मामला तमाम कारोबार को खोल देगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई वज़ीर सेहत का कहना यह है कि ये आखिरी लॉकडाउन होगा, ये वादा उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में किया था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये शायद अल्लाह की मेहरबानी से शायद ये आखिरी दफ़ा ही होगा। अगर अल्लाह ने इसी तरह मेहरबानी रखी तो ये आखिरी दफ़ा ही होगा जो इस तरह का लॉकडाउन हो, और अल्लाह करे कि इस 8 दिनों के बाद आप और मैं दोबारा मिले और एक अच्छी खबर लेके सबको दें। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू ओपन अप एवरीथिंग। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन क्या लोग सब्र करेंगे जब तक? इस मौजूद पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे खसूसी हसन रज़ा लाहौर से मौजूद हैं। हसन रज़ा बताइएगा, यकीनन ताजिर बहुत नाराज़ हैं, पूरे पंजाब में मंडियां कारोबार सरापा एहतजाज है, हुकूमत पे क्या असर पड़ा, इसका क्या कोई बातचीत हुई है ताजरों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान? कुछ हुकूमत ताजर रहनुमाओं को समझाने की कोशिश कर रही है? देखिए, देखने में तो आज यही आया है कि ताजर बरादरी जिस तरह उनकी जानिब से एहतजाज किए गए, तमाम पहले कई अहम बड़ी मार्केटें जैसे आज़म मार्केट, शालम मार्केट, इस्लामपुरा बाज़ार, इशरा बाज़ार, जो कि बड़ी मार्केट बड़े बाज़ार कहलाते हैं, उन्होंने जैसा दुकानें खोली, फिर ताजरों की जानिब से एहतजाज भी किए गए, पुलिस भी आई, और जो ज़िले इंतज़ामिया थी, जो कमिश्नर लाहौर थे, डिप्टी कमिश्नर और बाकी इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल लोग, वो पहुँचे और ताजरों से मुज़ाकरात किए। उनको बताया कि ये सिर्फ चंद एक दिन है, अगर ये गुजार लें तो इसके बाद मामला बेहतर हो जाएंगे, अदरवाइज़ हालात बहुत ख़तरनाक जो है इसके रिज़ल्ट सामने आ सकते हैं। कुछ ताजर बरादरी ने तो तस्लीम किया, लेकिन ताजर बरादरी अंदर तो तस्लीम करके आते थे, बाहर आके जो उनकी यूनियन बनी थी उनको ये कहते थे आप दुकानें खोलें, हम देखते हैं क्या बनता है, आप दुकानें खोलें। जिसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँची थी तो ताजर रहनुमा वहाँ से अहम मौक़ों पर जो है वो गायब दिखाई दिए। फिर पुलिस की जानिब से यही आँख मचोली का खेल आज सारा दिन तमाम बड़े बाज़ारों में खेला जाता रहा, कई दुकानें सील भी की गई। तो हुआ क्या? अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि बड़े बाज़ारों में आँख मचोली हुई, आँख मचोली का ज़रा आँख मचोली को एक्सप्लेन करें ना कि क्या हो रहा था लाहौर में और बाकी शहरों में, बड़े बाज़ारों में क्या होता रहा आज सारा दिन? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये शायद अल्लाह की मेहरबानी से शायद ये आखिरी दफ़ा ही होगा, अगर अल्लाह ने इसी तरह मेहरबानी। देखिए, फैसलाबाद में तो गिरफ्तारियां भी हमने मिलाई गई, कई दुकानों ने तो ये यहाँ तक कहा कि कहीं हम बाज़ार खोल दिए जाएंगे, और खोले भी, और अभी तक वहाँ पर बाज़ार जो है फैसलाबाद में और लाहौर के कई आम जगहों पर खोले हुए हैं, और यहाँ तक वो ये कहते हैं जिससे अगर आप सुबह 10 बजे के ये वाक़ा जिस अनारकली बाज़ार जो कि मारूफ बाज़ार है वहाँ पर यह वाक़ा पेश आया कि दुकानें खोल दी गई, और जब पुलिस पहुँची तो उनसे ये कहा गया कि आप हमें गिरफ़्तार कर लें, चंद एक अफराद पहुँचे, लेकिन हम मार्केटें बाज़ार बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यही दिन है, हम साल भर इसी दिनों का इंतजार करते हैं, ईद आएगी, रश पड़ेगा, कुछ हमारी खरीदो फोक्स ज्यादा होगी, लेकिन यही वो दुकानें एक दफा पुलिस बंद करवा के जाती है, एक आध अफराद को गिरफ्तार करके जाती, पीछे से दोबारा दुकानें खोली जाती, फिर पुलिस आती, फिर दोबारा बंद कर दी जाती। इसी तरह आजम मार्केट जो है वो बड़ी मार्केट कहलाती है, आजम क्लॉथ मार्केट, वहां पर भी यही सूरत देखने में आई। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी साथ वापस आते हैं। 13 साल में कई बार हम ये सियासी मंजर देख चुके हैं, हमेशा से एक दूसरे के मुखालिफ बल्कि दुश्मन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप है मवाक़ों पे और अहम मवाक़ों पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अहद पैमा करते हैं, राजो न्यास करते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ इतना फासला कर लेते हैं कि एक दूसरे पर, एक दूसरे की पीठ पर खंजर झोंकने का इल्ज़ाम लगाते हैं। यह अमल मुसलसल जारी है, 2007 से अब तक कई बार देख चुके हैं। आज फिर इसका एक्शन रीप्ले हुआ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मिली, जब बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में जनाब शहबाज शरीफ से मिलने के लिए उनकी अकामत गाह पर तशरीफ़ ले गए। खुश गप्पियों का एक बार फिर मंजर देखा हमने PPP और PMLN लीडरशिप के दरमियान। इनकॉम्पिटेंट सेलेक्टेड हुकूमत, क्या ये अब बस की बात नहीं है? इमरान खान नियाजी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, मजीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए
वो किसी भी खतरे से कम नहीं है। ईद के बाद रेवर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें बाकायदा जो इश्यूज हैं वो डिस्कस होंगे, एपीसी में वो एजेंडा लेके जाया जाएगा और पूरा उसका ऐलान किया जाएगा। जो भी इस बारे में स्ट्रेटजी हमारी जो सोच है उसको हम इंशाल्लाह अमली शक्ल देंगे। इन हाउस चेंज की बात हो या मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो, ये सारे ऑप्शंस मैं समझता हूँ मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हमने टेबल पे डाले हैं। अब ये जब हम बैठेंगे एपीसी पे, उस पे हमें कंसेंसस बनाने पड़ेगा और सारी सियासी जमातों को एक कंसेंसस पे आना पड़ेगा कि किस ताश को हम अब खेलना चाहते हैं। ईद के बाद जो हमारा लेबर कमेटी का मीटिंग होगा, जो हमारा एपीसी के मीटिंग होगा, उससे पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी निकलेगी। इससे पहले भी कई बार रहबर कमेटी की मीटिंग हुई, इससे पहले कई बार एपीसी की मीटिंग हुई। 2018 के इलेक्शन के बाद ये मंजर हम बार बार देख रहे हैं, पहली बार नहीं देख रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ये गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे के साथ, यानी पीएमएलएल लीडरशिप के साथ, अपोजिशन के साथ करते हुए नज़र आए हैं, लेकिन जब भी वक्त आया है, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो इलेक्शंस के मौके हों, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, पंजाब में इलेक्शन हो, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हो, एक दूसरे पर शदीद इल्ज़ाम हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान अजीम इख्तलाफात हैं, अजीम जंगी माहौल रहा है। चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद आसिफ जरदारी हो या उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे शहबाज शरीफ के रहबर और बड़े भाई नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ खुद हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, एक दूसरे के बारे में जो उनके ख्याल हैं, जो नज़रियात हैं, जो अफकार हैं, उस पर एक दूसरे से माफ़ी मांगे बगैर भी अगर वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनको शायद याद ना रहे या वक्ती तौर पर भूल जाना चाहें, लेकिन आवाम का हाफजा इतना ख़राब नहीं है, वो आसानी से नहीं भूलते। मियां साहब, आप फसादी हो सकते हो, आप साजिशी हो सकते हो, इनकलाबी नहीं हो सकते। इस जरदारी को लाड़काना कराची पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। अब अगर हमने मियां को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ ना करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये आवाम का चोर है। जरदारी साहब पीछे से बैठ के पर्दे के पीछे रहकर ये बहुत घिनौनी साजिश कर रहे हैं, खुद पीछे बैठे हुए हैं और दूसरे मोरों को आगे किया हुआ है, ये बिलो द बेल्ट हिट करते हैं। मियां सबसे बड़ा चाबी वाला खिलौना कोई नजर नहीं आता। दर बाबा और 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निशावर करेंगे। हमेशा आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छोरा घोपा, चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती। जो आता है स्विस अकाउंट्स के अंदर अपने पैसे लेके चला जाता है, जो आता है पाकिस्तान को लूटता है, कोई आप दोजों से पैसे कमाता है, कोई तोपों से पैसे कमाता है, इंशाल्लाह ये करप्ट लोग भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये बैठे हुए शहबाज शरीफ आपका खाना खा रहे हैं, आपकी रोटी लूट रहे हैं, ये लुटेरे लूट के गए हैं, मैं इनसे सबसे निकालूंगा, इनके पेट से निकालूंगा। ये सरदारी साहब पहले आप अपनी करप्शन का तो कौम को हिसाब दें, आपने जो मुल्क को लूटा है उसका तो हिसाब। ये हकीकत है कि 90 की दहाई में एक दूसरे का इख्तदारी गला काटने के बाद दोनों पार्टीज इकट्ठी जरूर हुई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में सन 2007 में, लेकिन ये बहुत ही वक्ती और बहुत ही सियासी अमल रहा था, मफादात इसके सामने थे और एक साल के अंदर ही ये साझे की हांडी बाजार में फूट गई थी। और उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, जब वक्त आया है किसी इसी किस्म का, जबकि दोनों पार्टीज़ पे किसी किस्म की कोई दबाव नज़र आया है, तो एक दूसरे से मिलने का बहाना ज़रूर किया है, दिखावा ज़रूर किया है, लेकिन किसी भी सूरत में एक दूसरे के साथ वफा ना कभी की है और ना ही उसकी कोई मिसाल मौजूद है। दोनों सियासी जमातों की उस ज़माने की तारीख जब से कि एक दूसरे के साथ मिले, बाहम शीर व शकर के मनाजिर अवाम के सामने पेश किए, मगर हमेशा एक दूसरे की मुखालफत में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि जंग करने में एक दूसरे से कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी तारीख इसकी गवाह है। 90 की दहाई में हुकूमतों की बारियां लेने वाली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मुशर्रफ दौर ने आर्जी तौर पर इकट्ठा होने पर मजबूर किया, लेकिन दोनों में कभी निभ न सकी। मई 2006 के मिसाक जमहूरियत से लेकर आज तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सियासी इश्तराक आर्जी मफादात पर कायम हुआ है।
मार्च 2008 में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुश्तरका हुकूमत के लिए ऐलान मरी किया था, मगर 6 माह बाद ही मुस्लिम लीग नून हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदा हो गई थी और जरदारी साहब ने कहा था कि ऐलान मरी कोई आसमानी सहीफा तो नहीं। अगर किसी पॉइंट पे हमारे यहाँ कोई तकलीफ आ रही है, मसला हो रहा है या ना करने की कोई गुंजाइश पैदा हो रही है तो उस पर दोबारा मिल के बात की जा सकती है। ये कोई हदीस तो नहीं है, कोई कुरान के अल्फाज तो नहीं है, मुआहदे कोई कुरान और हदीस तो नहीं है कि इन पे अमल किया जाए। जो शख्स ये कह सकता है, जिसका मिजाज ये होगा, क्या वो इस मुल्क की खिदमत करने के काबिल हो सकता है? पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाया तो नवाज शरीफ ने जरदारी को ललकारा था कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की पीठ में छुरा घोंपा है। कितनी उम्मीदों के साथ मैंने जरदारी के साथ दस्तखत किए, आज मुशर्रफ की रूह जरदारी में घुस गई है। मैंने तो बड़े खलूस प्यार मोहब्बत और उम्मीदों और मान मान के साथ आपसे हाथ मिलाया था, ये आपने क्या हाथ कर दिया हमारे साथ, ये आपने क्या धोखा कर दिया हमारे साथ, ये किया पीछे से आपने हमारे साथ कि हमारी हमारी अपना बैग में आपने खंजर घोंप दिया। क्या इस बार पुश्त पर खंजर मारने का इल्ज़ाम नहीं लगेगा? लेकिन जब स्विस अकाउंट केसेस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की पेशी की नौबत आई तो नवाज शरीफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मेमो गेट हुआ तो नवाज शरीफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, यानी मुस्लिम लीग नून ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कमजोर किया जाए। सरदारी साहब, ये आपका सफीर अमरीका को कह रहे हैं कि जनाब हमारी फौज को आप कंट्रोल करें, हमारी फौज को आप काबू में रखें, ये कौन सी पाकिस्तानियत है? जरदारी साहब, इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा, आप हमारी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं। 2014 में तहरीक इंसाफ के धरने के मौके पर सिंध में हुकूमत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने बजाहिर नवाज हुकूमत का पार्लियामेंट में साथ दिया, लेकिन जब पनामा जीआईटी की तहकीकात और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया तो पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को मुझे क्यों निकाला के ताने दिए। ये आज पूछता फिर रहा है कि मुझे क्यों निकाला, अल्लाह ने आपको निकाला, पाकिस्तान की अवाम पे आप आज। नवाज शरीफ की रुख्सती के बाद सानेहा मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए जरदारी साहब अलामा ताहिरुल कादरी के कंटेनर पर चढ़ गए थे और उन्होंने शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया था। अब हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इनके साथ स्ट्रगल करेंगे, हम लड़ेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, ये सुन लो शहबाज शरीफ, हम लड़ेंगे। पीटीआई हुकूमत बनने से अब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे को चकमे और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेज में एक दूसरे को झांसे देते रहे हैं। वजीर आजम के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने ऐवान में मौजूदगी के बावजूद शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया था। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन देख ले, शहबाज साहब का जो इलेक्शन था एक्चुअली उन्होंने शहबाज शरीफ को उन्होंने कैंडिडेट बनाया था, उन्होंने आके हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट नहीं बनते थे एंड देन दे बैक डाउन। पीपल्स पार्टी का जो वफद हमारे साथ मिला था उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट आप दें क्योंकि आपका नंबर ज्यादा है। अब जब पुट कर दिया तो फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि जी आसिफ जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि जी मैं वोट कास्ट नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी की तजवीज पे वजीर आजम का इलेक्शन पीएमएलएन और वो शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे, बाद में वो बैकआउट कर गए जरदारी साहब के कहने पर, हमें जरदारी साहब की मजबूरियों का भी एहसास है, इसलिए गिला कोई नहीं। सदारती इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान को नामजद किया था, लेकिन आसिफ जरदारी ने अपोजिशन से मुशावरत के बगैर एतजाज अहसन को मैदान में उतार दिया था। नतीजतन डॉक्टर आरिफ अलवी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हुए थे। एतजाज अहसन साहब का जो कैंडिडेचर है ये पहले ही जो है ये विद मैलाफाइड इंटेंशन था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है हुकूमत को फैसिलिटेट करना था। मिस्टर आसिफ जरदारी ने सारा काम खराब किया, मुतहदा अपोजिशन में रखना डाला, उनका रवैया नाकाबिले फहम है। वो अपने फैसले पे इसरार करें, अपोजिशन के वोटों को तकसीम करें, इससे तो पीटीआई को वॉक ओवर देना है सदारती इलेक्शन के अंदर। 201 वोट हासिल किए परवेज इलाही ने। बिल्कुल इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार के इंतखाब के वक्त भी पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने से गुरेज किया था। पिछले साल अगस्त में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दरारें बिल्कुल वाज़े हो गई थीं। ये पूरा पस मंजर है, क्या इसके बावजूद हम ये ना कहें कि ये कौम के साथ क्या मजाक किया जा रहा है, क्या मजाक किया जा रहा है। आज भी जब ये मुलाकात हुई और इस मौके में जब सवाल जवाब हुए उस मजाक की एक झलक आप फिर देख लें, ये अब से चंद घंटे पहले की बात है। शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट, अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ रबता में था
ऑन द फोन रابطہ میں تھا مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں صحتیاب ہو گیا ہے ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا شہباز شریف صاحب صحتیاب ہو گیا ہے اور ہمارے انقلاب کو لیڈ کرے گا شہباز شریف صاحب پھر شہباز شریف صاحب کا آپ نے جواب دے کر کمرشل پہ اس کے بعد ذکر کریں گے الحمدللہ پاکستان میں معیشت و کاروبار میں بہت بہتری کی بہت ہی پازیٹیو سالڈ خبریں سامنے آ رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ ہو پراپرٹی مارکیٹ ہو تعمیراتی صنعت سے منسلک صنعتیں ہوں پاکستان کی ایکسپورٹ کی صورتحال ہو ہر لحاظ سے الحمدللہ کووڈ کے بعد کی صورتحال بہت ہی پازیٹیو ہو گئی ہے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد پاکستانیوں کے لیے اطمینان کی خوشی کی اور بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرنے کی پوزیشن ہے کہ الحمدللہ ایک تو کرونا کے معاملے پر پاکستان میں بہت ہی بہتر صورتحال ہو گئی ہے کرونا ایک بار پھر قابو میں آتا نظر آیا ہے ختم تو کہیں نہیں ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک معجزہ دکھایا ہے پاکستانیوں میں اس کے اثرات بھی نمایاں ہو رہے ہیں پاکستان کی معیشت کاروبار اور صنعتیں اس وقت بھرپور انداز میں ان کی واپسی ہو چکی ہے ہر لحاظ سے کاروبار صنعت اور معیشت پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے کنسٹرکشن پیکج کی وجہ سے تعمیراتی صنعت سے منسلک ہے سیمنٹ سٹیل دوسری جو صنعتیں ہیں اس میں ایک بار پھر ڈیمانڈ ہوتی نظر آئی ہے دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے 5 ہفتے کے دوران تقریباً 10 سے 15% اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ پلاٹس گھر اور دوسری جو تعمیرات ہوتی ہیں جو کہ ریل اسٹیٹ ہے اس حوالے سے ایک بار پھر لوگوں کی دلچسپی آ گئی ہے پلاٹس کی قیمت میں کراچی میں بڑی اہم جگہوں پہ لاہور میں دوسری جگہوں پہ زمین کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے گھروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مجموعی صورتحال یقیناً بہت بہتر نظر آ رہی ہے اسی لیے وزیر اعظم عمران خان اطمینان میں نظر آتے ہیں ہم اتنا بڑا پروگرام لے کے آ رہے ہیں اب یہ جو ہماری کنسٹرکشن کا ہے ہم نے پوری کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ اس وقت انسینٹیوز دیے جو کبھی پہلے ملے نہیں تھے تو وہ اب پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں ہماری پلاٹس کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں سیمنٹ کی خریدار بڑھتی جا رہی ہے سریے کی اس کا مطلب کہ معیشت صحیح طرف جا رہی ہے اور جب معیشت بہتر جاتی ہے تو اس کی سب سے زیادہ ریفلیکشن کسی بھی ملک میں اس کی اسٹاک مارکیٹ میں نظر آتی ہے یہ وجہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ایک ماہ میں تقریباً 15% بڑھ چکا ہے 5,000 پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا ہے ایک ماہ کے دوران جو کہ بہت ہی ریزیلینس بہت ہی ایگزیوبرنس شو کرتی ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہے یعنی کہ ان کے جو جذبات ہیں وہ ایک بار پھر جاگ چکے ہیں اور اس کی نشانی جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں نظر آ رہی ہے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں شرح سود میں کمی ہوئی ہے 6.25% شرح سود پچھلے 3 سے 4 مہینوں کے دوران کم ہو چکا ہے اس نے پورے ماحول کو ایک نئی جان دے دی ہے شرح سود کی کمی کی وجہ سے نئے کاروبار کے حوالے سے بھی لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اور لوگ اب اس طرف راغب ہو رہے ہیں مہنگائی کی شرح مجموعی طور پہ کنٹرول میں ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایکسپورٹس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے حالیہ دنوں میں ایکسپورٹرز کے جو کلیدی مطالبات تھے حکومت نے وہ تمام مان لیے ہیں اور اب ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ اس سال میں وہ ہر صورت میں 20 سے 25% ایکسپورٹس میں اضافہ کر کے دکھائیں گے گویا کہ ہر لحاظ سے پاکستانیوں کے لیے اطمینان اور خوشی کا سامان پیدا ہو رہا ہے اس کا تفصیلی احاطہ ہم کرتے ہیں اس رپورٹ میں جولائی میں پاکستان میں کورونا کیسز کی تعداد میں ریکارڈ کمی آئی ہے 20% انفیکشن ریٹ الحمدللہ 5% پر آ چکا ہے اور کورونا ماحول میں اقتصادی مندی کا طویل چکر بھی اختتام پر ہے وزارت خزانہ نے اپنے جرائد اکنامک اپ ڈیٹ اور اکنامک آؤٹ لک میں نئے مالی سال میں گروتھ ریٹ میں انتہائی مثبت رجحان کی پیشگوئی کی ہے جو کورونا ماحول میں حکومتی اقدامات کی وجہ سے معاشی سرگرمیوں میں دوبارہ اضافے کا اشارہ ہے کم ترین شرح سود اور منفرد ایمنسٹی کے ساتھ کنسٹرکشن پیکج معاشی خوابوں کی تعبیر بن چکا ہے محنت کشوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں کنسٹرکشن سے منسلک سیمنٹ اسٹیل لکڑی سمیت 40 صنعتوں کا پہیا تیز گھومنا شروع ہو گیا ہے پچھلے مہینے سیمنٹ کی فروخت میں 19% اضافہ ہوا پچھلے ہفتے اسلام آباد میں کمرشل پلاٹس نیلامی میں 15 لاکھ روپے گز تک میں فروخت ہوئے کراچی اور لاہور میں پراپرٹی کی قیمت میں 15% تک اضافہ ہو گیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے جو کنسٹرکشن کا جو پیکج دیا ہے اس کے بعد مارکیٹ میں جو ایک 4 سال سے تقریباً یا 3 سال سے جو جمود تھا وہ الحمدللہ ابھی ٹوٹا ہے اور ریل اسٹیٹ سیکٹر میں الحمدللہ ابھی کام ہو رہا ہے اور پرائزز بھی انکریز ہوئی ہیں جو اضافہ ہوا ہے نا وہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ کراچی میں جو ڈیفینس میں ڈی ایچ اے اور ڈی ایچ اے سٹی خاص طور پہ
यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से जो है ना इम्प्रूव हुई हैं, और इसी तरह जो दूसरे इलाके हैं उनमें भी इसी तरह इन्वेस्टमेंट हुई है, इसी तरह लाहौर में हुई है, इसी तरह इस्लामाबाद में हुई है, इसी तरह ग्वादर में भी अब लोगों जो है ना वो मूव कर रहे हैं क्योंकि ग्वादर में भी आ रहा है। तो ये इसका इम्पैक्ट जो वो बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, जिसकी वजह से ये मेरे ख्याल में घरों की भी और ज़मीनों की जो प्राइसेस हैं वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2016 में जहाँ पे थी उससे ऊपर जाएंगी। अब शरा सूद 13.25% से कम होकर 7% पर आ जाने से बैंकों में टर्म डिपॉजिट का दौर खत्म और कारोबारी लागत में कमी का जमाना आ चुका है। शरा सूद इंतहाई कम होने से स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स एक माह में 33,700 पॉइंट से बढ़कर आज 38,700 पॉइंट तक पहुंचा और मार्केट तकरीबन 15% बढ़ गई है। चार माह कबल 25 मार्च को यही इंडेक्स 27,000 पॉइंट तक गिर चुका था। वजारत खजाना के माहाना मौशी अशारियों के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती सरगर्मियों में सरमाए की फरावानी ग्रोथ रेट में इजाफे का सबब बन रही है। कोरोना माहौल में माहाना शरा नमू 1% से भी कम हो चुकी थी, जो अब 4.9% हो चुकी है। इस माली साल से माहाना एक्सपोर्ट 2 अरब डॉलर से बढ़कर 2 अरब 10 करोड़ डॉलर हो जाएंगी, जो माली साल के अख्तितम यानी जून 2021 तक माहाना 3.5 अरब से 4 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें तो महंगाई की शरह जून में 8.2% थी और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बावजूद एक माह बाद भी महंगाई की शरह 8.6% है। अफराते ज़र में इंतहाई मामूली इजाफा हौसला अफजा पेशरफ्त है। बहुत अहम बात है कि 15 सितंबर तक टिड्डी दल के हमलों से छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए इस माली साल फसलों मवेशियों माहीगीरी और जंगलात में बेहतर नमू की बुनियाद पर ज़रात की तरक्की का 2.8% हदफ व आसानी हासिल किया जा सकता है, जिसके फौरी असरात खरीफ की फसल में नुमाया होना। इस इंतहाई इत्मीनान बख्श माहौल और कारोबार मीशत रोज़गार ज़रात इन तमाम हवालों से पाकिस्तान में जो एक बेहतरी का माहौल पैदा हो रहा है, जो खुशगवार माहौल पैदा हो रहा है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए, इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमें ज्वाइन करें जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो माहौल है पिछले एक महीने के दौरान हम ये देख रहे हैं, इसमें किसी सूरत में कहीं भी वो मायूसी और नाउमीदी नज़र नहीं आ रही जो कि इससे पहले नज़र आया करती थी। एक बाकायदा रोबस्ट अंदाज से जो है लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल गया है। जब ये मार्केट इस तरह से हो रही होती तो क्या ये पूरी मईशत की और कारोबार की तर्जुमानी करती है? जुलाई का महीना वाकई बहुत ज़्यादा बेहतर रहा है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से, जो पिछले 2 से 3 बरस से बहुत ही डल थी, एक्टिविटीज़ भी कम थी, मगर पिछले एक माह में ना सिर्फ मार्केट में 15% की बेहतरी आई है मगर वॉल्यूम्स जो हैं वो 2 गुना से ज़्यादा हो गए हैं, जो शो कर रहा है कि इन्वेस्टर्स का और ख़ास तौर से लोकल सरमायाकार का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह आपने कहा, देखें स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को फोरकास्ट करती है और अभी भी जो स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है वो यही शो करती है कि जो सेक्टर्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में उनकी परफॉर्मेंस आगे आने वाले महीनों में सालों में बेहतर होगी। और मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी सरप्राइज़ जो स्टॉक मार्केट ने दी है जुलाई में, इसकी सबसे बड़ी वजह कामरान भाई जो कोविड के केसेस हैं, कोई भी नहीं सोच सकता था कि 1,10,000 से एक महीने में हम 27,000 पर आ जाएंगे और इतना तेज़ी से ना सिर्फ कर्व फ्लैट हो रहा है बल्कि डिक्लाइन भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट तो ये है, जिसका असर इकोनॉमी पे ये हुआ है कि हमारी तवक्कुआत से बहुत बेहतर, हमने सर्वेज भी किए हैं, एनेक्डोटल एविडेंस भी हैं कि जो सेल कोरोना से पहले थी उससे 15-15% बढ़ गई है, 10-15%। कुछ आपने भी बताया, सीमेंट की सेल्स है, गाड़ियों की सेल्स है, मोटरसाइकिल की सेल्स है, वॉशिंग मशीन की सेल्स है और टीवी की है, रेफ्रिजरेटर की है। तो ये बेसिकली लॉकडाउन की वजह से कुछ पेंटअप डिमांड भी है और कुछ लोगों का कोविड की सिचुएशन बेहतर होने से कॉन्फिडेंस आया है और हमारी तवक्कुआत से काफी अच्छा पहले सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो रही है। तो सुहेल साहब, इसमें जो है ये फिर जो ये तो ये मार्केट की एक रिफ्लेक्शन है और फिर जो रियल इकोनॉमी है जो कि ओवरऑल ऑल कंपासिंग जो इकोनॉमी पूरी जो कंट्री की है उसके अंदर भी ये जो इधर विगर हम देख रहे हैं ये दरअसल वहाँ से शुरू हुआ है और वहाँ पे अब ये एक बार फिर जड़ पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि रियल इकोनॉमी के अंदर पूरी। जी कमरान भाई, यही मैंने जो आपको एग्जांपल दी ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बातें थी, मगर इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है
उसमें भी लोकस अटैक के बावजूद जो हुकूमत ने पैकेज दिया है एग्रीकल्चर का, वहाँ भी कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, और उन दोनों का असर जो पाकिस्तान का 50% है सर्विसेज उस पर भी पड़ता है। तो दो साल से पाकिस्तान में जीडीपी बहुत अरसे के बाद में कोई ग्रोथ नहीं आई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे दो साल नहीं मिलेंगे कि ग्रोथ ना हो, उस वक्त जब पॉपुलेशन आपकी साल की 2-2.5% बढ़ रही हो। तो एक रिकवरी तो होनी थी और ये ड्यू थी, मगर हमने देखा कि रिकवरी तवक्कुआत से पहले हो रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और अब जो ट्रेंड है अगर वो जारी रहा और अल्लाह करे कोविड दोबारा ना हो पाकिस्तान में, तो मुझे लग रहा है कि जो हुकूमत की अपनी जीडीपी ग्रोथ की तवक्कुआत हैं उससे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। और फिर इसमें एक बड़ा जो फ्यूल किया है, जो कि इसको सबसे ज़्यादा जिसने हवा दी है, जो तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट में इतनी बड़ी कमी हुई और फिर इतनी तेज़ी से, जो कि इसमें ज़ाहिर है कि सेंट्रल बैंक ने न सिर्फ ये कि इंटरेस्ट रेट 6.6% कम किया पिछले 3-4 महीनों के दौरान, फिर कई पैकेजेस दिए जिसने कारोबार और सनत को उठाया, ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना इसमें, और सेंट्रल बैंक का बड़ा रोल है इसमें। नहीं देखें, बिल्कुल, ये कोविड के बाद जो सबसे बड़ा रोल है वो स्टिमुलस का है। दुनिया भर में बेतहाशा स्टिमुलस दिया गया, अमेरिका जैसे मुल्क में तो ना सिर्फ पैसे छापे गए बल्कि लोगों के जेबों में पैसे दिए गए, लोगों के जो एसेट्स हैं वो खरीदे गए, मगर पाकिस्तान में चूंकि फिस्कल हालात कम थे तो जितना भी हुकूमत ने किया उसका बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। ये इंटरेस्ट रेट तो एक है कि जो 13.5% से कैब और 7% आ गया, इसके अलावा जो हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत 150 बिलियन जो इंजेक्ट किए हैं, हुकूमत ने एग्रीकल्चर पैकेज में बिलियंस ऑफ रुपीज इंजेक्ट किए हैं, और हुकूमत ने जो यूरिया की कीमतें घटाकर जो फार्मर्स को पैसा दिया है, तो हमारे हिसाब से सिर्फ रूरल इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट हुए हैं, प्लस कंस्ट्रक्शन पैकेज फुल फ्लैज अनाउंस हो चुका है, और जिस तरह हमने बताया कि जो इंटरेस्ट रेट कम हुए, ये तीनों मिला के बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हैं पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जो पिछले 2 साल से नहीं बढ़ रही थी। तो यही रीजन है जिस तरह मैंने कहा कि इस स्टिमुलस की वजह से। और फिर हुकूमत ने बहुत ही रोबस्ट, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे रोबस्ट कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो इंसेंटिव्स दिए इससे पहले कभी देखने में नहीं आए, ये तो अभी पैकेज आया है, इसका रिफ्लेक्शन अभी आना बाकी है, जिससे कि ये पूरी इकॉनमी में इंशाल्लाह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होगी अगर ये पूरी तरह से मटीरियलाइज होता है जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है। कंस्ट्रक्शन पैकेज तो अब मेरे ख्याल में इंप्लीमेंट होना शुरू ही नहीं हुआ, अब तो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग प्लॉट्स खरीद रहे हैं, कुछ लोग कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हैं डेवलपर्स, कुछ लोग अपने टैक्स एडवाइजर से मशवरे ले रहे हैं। इसके बावजूद हमने देखा है कि जो सीमेंट की सेल्स हैं या टाइल्स की सेल्स हैं या पाइप्स की सेल्स हैं वो बेतहाशा बढ़ गई हैं। अब तो ये जो सारी चीज़ें बढ़ी हैं इसका ज़्यादातर रीज़न जो है वो इकोनॉमिक रिकवरी है, और जो कंस्ट्रक्शन पैकेज का इम्पैक्ट है ये इन मटेरियल्स पे, ये तो अभी आना बाकी है। तो इसीलिए मैं तवक्कु कर रहा हूँ कि हो सकता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम आज से 2 महीने पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे सन 2020-21 में, शायद उससे बेहतर। शुक्रिया मोहम्मद सुहेल, हमारे साथ मौजूद थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की बहुत अहम ज़रूरत है, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना है और इसके लिए FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना है, जिसका मतलब यह है कि हमें कई कलीदी कवानीन मंजूर कराने हैं। जाहिर है कि वो पार्लियामेंट से होते हैं और पार्लियामेंट में अपोजिशन ने अब इसके साथ बड़ी कड़ी शर्त लगा दी है, नैब कवानीन में तरामीम चाहती है, और इसके ज़रिए जो अपोजिशन लीडर्स जो नैब केसेस में मुलविस हैं उनको बड़ा एक कंसेशन चाहती है, क्योंकि वो कवानीन मंजूर हो जाएंगे तो ये केसेस अपनी मौत आप मर जाएंगे। यकीनन ये एक बहुत ही एक ऐसा अमल है जो कि पाकिस्तान के लिए परेशानी का बाइस हो सकता है, क्योंकि हुकूमत के पास ये बहरहाल अभी आसानी है कि वो जब चाहे सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये FATF के कवानीन को मंजूर कर दे, लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट में बड़ी बदमिजगी पैदा हुई है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कल लग रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात सहल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मामला यही है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 27 नुकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना है। ये वो नुकात हैं जो FATF ने पाकिस्तान को बताए हैं, पाकिस्तान पर लाजिम है कि वो इन एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे, और इसका बड़ा महवर है कवानीन जिसको कि पाकिस्तान ने बाकायदा का मंजूर कराना है, और इन कवानीन का ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग से है, टेरर फाइनेंसिंग से है, गैर दस्तावेज़ी मीशत से है, वही मामलात जो पाकिस्तान के लिए सरदर्द है, पाकिस्तान के इमेज के लिए सरदर्द है, और पाकिस्तान की मीशत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई माविन और इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई
खुश आइंद है अगर हम इन तमाम जो नुकात हैं इस पर हम अमल कर लें, हमारा इमेज अच्छा होगा, हमारी मीशत बेहतर होगी और हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही नफ़े का सौदा है। चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास कि वो इन कवानीन को मंजूर ना करे, क्योंकि पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट से खुदा नखास्ता ब्लैक लिस्ट की तरफ जा सकता है। गोया कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है कि वह कवानीन मंजूर कराएगी, और आपके इल्म में है कि फेटफ ने पाकिस्तान में ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था गुज़िश्त हुकूमत के अदवार में आखिरी दौर के आखिरी महीनों में, और यकीनन ये सर दर्द जो है ये पीटीआई की हुकूमत को कई दूसरे सरदर्द की तरह से विरासत में मिला है। लेकिन अब ये मामला पार्लियामेंट में मौजूद है, वहाँ दिलचस्प सूरत हाल है। अपोजिशन को पता है कि इस वक्त हुकूमत की ये ज़रूरत है, पाकिस्तान की ये ज़रूरत है कि एफ ए टी एफ के कवानीन को मंजूर किया जाए, मगर अपोजिशन ने इतलात के मुताबिक नथी कर दिया है इसको नैब तरामीम से। वो चाहते हैं कि नैब कवानीन में तरमीम कर दी जाए, और मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक नैब अपोजिशन 35 कवानीन में तरमीम कराना चाहती है, और जिसका नतीजा ये निकल सकता है कि अपोजिशन के वो तमाम रहनुमा जो नैब के मुख्तलिफ केसेस में मुलविस हैं या उनके खिलाफ तहकीक तफ्तीश या रेफरेंस चल रहा है, वो अपनी मौत आप मर जाएं, और यकीनन ये हुकूमत के लिए नाकाबले कबूल अमल है। लेकिन ये बहुत बड़ी शर्त है जो कि बज़ाहिर अपोजिशन की जानिब से आयद कर दी गई है और हुकूमत को मुश्किल में फंसाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये बात अलग है, हुकूमत के पास अब भी रास्ता है कि वो इन कवानीन को सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिज कर दे। लेकिन आज इसका बरमला गिला किया वज़ीर ख़ारजा जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट में कि अपोजिशन ने इस कलीदी रियासती और पाकिस्तान की सालबियत के मामले को अपने केसेस के साथ ठीक कर दिया है। चार ऐसे बिल आइडेंटिफाई किए गए जो हमें जिन पर हमें फौरी लेजिस्लेट करना है, ये हमने पास कराने हैं दोनों हाउसेस। अपोजिशन ने कहा कि बिल्कुल हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम फैटेफ के साथ जो नैब ऑर्डिनेंस है उस पर भी लेजिस्लेशन चाहते हैं, और उस पे आप इन दोनों ख्वाहिशों को अब क्लब कीजिए और बयक वक्त आप इन पर आगे बढ़े। जो फैटेफ की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो टाइम बार्ड है, क्योंकि हमारे पास एक वक्त की कदखन है। हम सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तलवार जो हमारे सर पर लटक रही है उससे आजादी हासिल करे। नेशनल इंटरेस्ट को फौकियत मिलनी चाहिए। फैटिफ के कवानीन पर जिस पर एक वक्त की तलवार लटक रही है, फिलफौर उस पर उसे कानून साजी करनी चाहिए। थोड़ी सी इस पर नजरसानी फरमाएं, थोड़ा इस पर असर नौ इस पर गौर फरमाएं और गुंजाइश पैदा करें। इस मौजू पर अपोजिशन की हम ज़रूर राय लेंगे, तफसीली राय हमें देंगे। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम वर सीनियर तरीन रहनुमाओं में से जनाब शाहिद काकान अब्बासी थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले हुकूमती राय हासिल करते हैं। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलसिले में जो हुकूमत और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान इन दोनों कवानीन के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, उनमें से कई मेंबरान ऐसे हैं जो कि खुद या उनकी लीडरशिप नैब के केसेस में मुलविस है, या नैब के केसेस के हवाले से वो नैब की तफ्तीश तहकीक या रेफरेंस भुगत रहे हैं, और अब वही अराकीन शामिल थे कि वो नैब कवानीन में तब्दील करा दें, जो कि यकीनन एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बड़ा मामला था। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। क्या हुकूमत फंस गई है अब, क्योंकि अपोजिशन ने कहा है कि अगर आपको एफ ए टी एफ के कवानीन मंजूर कराने हैं तो अब आपको नैब में भी हमें बहुत जो सिग्निफिकेंट और बहुत मैसिव आपको तरामीम करनी होंगी, हमें कंसेशंस देने होंगे। आपने अपने इब्तदाई में बड़े तफसील से अहाता किया है इस सारी सूरत हाल का, और मामला यही है कि देखिए अगर इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, एहतसाब के निज़ाम के ऊपर कुछ कंप्रोमाइज़ करना। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी वजह जो पीटीआई आज इक्तदार में है और इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो कमिटमेंट है जो उन्होंने करप्शन के खिलाफ की थी। और आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में एक सीओडी करके आए थे, जिसमें जिसकी अमली शक्ल ये थी कि उनके केसेस के ऊपर पीपल्स पार्टी कोई कदम नहीं उठाएगी और मुस्लिम लीग नून के केसेस के ऊपर पीपल्स पार्टी कोई कदम नहीं उठाएगी और वाइस वर्सा पीपल्स पार्टी के केसेस पे नून कदम नहीं उठाएगी। चुनाचे पाकिस्तान में एक ये माहौल बन गया कि करप्शन तो एज एन इशू पॉलिटिक्स में ख़त्म ही हो गया और ये बात होना शुरू हो गई कि चले कोई बात नहीं, खाता है तो लगाता भी तो है। तो ये इस नैरेटिव के खिलाफ इमरान खान की इमरजेंस हुई है, इस नैरेटिव के खिलाफ
पीटीआई की इमरजेंस हुई है, लिहाजा किसी सूरत भी एक हमें फ्रेंकली इससे पहले नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने अगर ये अलहदा मामला हो, अगर ये अलहदा मामला हो फवाद चौधरी साहब तो पीटीआई एक अपनी पोजीशन लेके और उसको किसी सूरत से नहीं मानेगी, मगर ये तो कौम का मामला है, ये एफएटीएफ की हमें शरायत पूरी करनी है, कवानीन मांग लिए हैं एफएटीएफ ने, हमें मंजूर कराने हैं और जाहिर है कि ये ग्रे लिस्ट में फिर हम फंस जाएंगे, तो अब बहरहाल ये तो हमें हासिल करना है, इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं फिर कि ये सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये भी कौमी मामला है और इस कौमी मामले के ऊपर भी शायद कंप्रोमाइज इस तरह से मुमकिन नहीं है। अब इसके नतीजे में दो तीन बातें हैं। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में भी पार्लियामेंट में भी मैं सख्त हमायती हूँ इस चीज़ का कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए और उसके बगैर जमहूरियतें चला नहीं करती, और हमें बारह पाकिस्तान में एक माहौल बनाना है जिसमें कि हुकूमत 5 साल अपने पूरे करे और उसके बाद जब इंतखाबात हो तो कोई उसके ऊपर कोई गिला ना करे। लिहाजा मेरी नज़र में अगर एहतसाब के उन मामलात के ऊपर जहाँ पे कंप्रोमाइज हो सकता है वहाँ से हमें बात शुरू करनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर हुकूमत ने ऑर्डिनेंस दिया कि जो टैक्स और लेवीज और इस तरह के जो दूसरे मामलात हैं उनको नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाल दिया जाए। मेरे ख्याल में अपोजिशन को पहले इस बात के ऊपर सोचना चाहिए और बहुत सारे मामलात जो है वो टैक्स के हैं जो नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाले जाने चाहिए, इसका फायदा होगा। इसके बाद लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब अपोजिशन तमाम तर मुज़ाकरात ये करती है कि हमारे लोगों के या लीडरशिप के ऊपर जो केसेस हैं उनको लिटरली ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, ये मुमकिन नहीं होगा पीटीआई के लिए। सो मेरी नज़र में हुकूमत और अपोजिशन को उन पॉइंट से शुरू करना चाहिए जहाँ पे कम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इसके साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो जो एक माहौल बनाने के लिए दूरस गुफ्तगु है जो कि आप फरमा रहे हैं, ये कॉमन एजेंडे की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो हमें एफएटीएफ के कवानीन मंजूर कराने हैं ना, अब हुकूमत के लिए इसके लिए तो ये लंबा काम नहीं हो सकता, तो ये इसके लिए क्या ड्यू प्रोसेस क्या हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले पूछा था आपसे कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, एहतसाब भी चलता रहे और एफएटीएफ के कवानीन भी बन जाए। चले, मैं आसान लफ्जों में पूछता हूँ, इतना बड़ा मसला नहीं है हुकूमत के लिए एफएटीएफ के कवानीन को लेकर के आना। मिसाल के तौर के ऊपर जैसा से आपने खुद ही कहा, एक तो हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर सकती है, 28 तारीख को अगर पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हो जाएगा आप ऑर्डिनेंस लगा देंगे 6 महीने के लिए वो चलेगा, और 6 महीने के दौरान आप ये बात भी कर सकते हैं। दूसरी सूरत में यह है कि असल बात तो यह है कि अपोजिशन को भी थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। ये थोड़ा ही है कि हम पाकिस्तान के उन कलीदी मामलात को भी सिर्फ अपने कदम से आगे ना देखें और हर वक्त सिर्फ अपनी ही सियासत का सोचते रहें, अपनी ही बात का सोचते रहें, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। मुल्क में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आपको अपने कदमों से आगे सोचना पड़ता है, अपने नज़र से आगे रखने अपनी नज़र की ज़रूरत होती है। सो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे तो आप भी कहते रहे फवाद चौधरी साहब के नैब के कवानीन में तरामीम ज़रूरी है और आपकी हुकूमत तो बाकायदा एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसमें तब्दीलियाँ भी लाई थी, तो इसमें तो कोई मज़ायका नहीं है और ना ही इसमें कोई इख्तलाफ है कि तब्दीलियों की ज़रूरत है। तो अभी अगर अपोजिशन कह रही है तो इसी वक्त बैठ के इसको डिसाइड कर लेना। एक मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मैं आपके कानून में यकीनन तब्दीलियों की ज़रूरत है, लेकिन एहतसाब के निज़ाम को तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। अगर आप देखिए जो 35 तरामीम आज अपोजिशन ने दी हैं उसका प्रैक्टिकल मतलब सिर्फ एक ही है और वो ये है कि आप एहतसाब का अमल ख़त्म कर दें। ये मामला जो है बड़ा मानना बड़ा मुश्किल है पीटीआई के लिए और प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी, हमें हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चोटी के रहनुमा जनाब शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बज़ाहिर तासुर यही मिल रहा है आवाम को कि ये जो एफएटीएफ की हमें एक बड़ी कलीदी कानून साजी करनी है अपनी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एफएटीएफ की, अपोजिशन ने उसको मुंसलिक कर दिया है नैब के कवानीन में तरमीम से, और जाहिर है कि उसका मतलब यह है कि अपोजिशन के जो रहनुमा नैब केसेस में इस वक्त अंडर ट्रायल हैं या अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो उस पर कंसेशन चाहती है और हुकूमत से इसकी एफएटीएफ के कवानीन की मंजूरी की कीमत चाहती है। ये एक तासुर है और ये कहा गया है। ये तासुर बिल्कुल गलत है, अगर कहा गया है तो सफ़ेद झूठ है। हुकूमत ने पिछले पीर वाले दिन हमें कहा कि हम 4 बिल लाना चाहते हैं, आपकी मदद चाहिए। हमने कहा जी हम हाज़िर हैं। उन्होंने कहा जी 3 जो 2 बिल हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के, एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट का है और एक नैब का है,
हमने कहा जी अब ले आए, बिल आ गए, एक बड़ी कमेटी पार्लियामेंट की बन गई, उसके बाद एक छोटी कमेटी बनी इनफॉर्मल के इन बिल पर बहस करके इनको तैयार करके उस बड़ी कमेटी में भेजे। मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था। एक जो एंटी टेररिज्म एक्ट का बिल था, इकोनॉमिक टेररिज्म का, अगर आप कामरान साहब वो बिल पढ़ लें, आप मुझे बता दें कि इतना खौफनाक बिल आपने ज़िंदगी में कभी देखा है। वो पाकिस्तान से जमहूरियत ख़त्म कर देता और अमरीत आ जाती इस मुल्क में अगर वो बिल पास हो जाता। हमने कहा कि भाई आप कर क्या रही हैं, किसकी सोच है? कोई जवाब नहीं है। बिल आखिर वो बिल विड्रॉ हो गया। हमने पूछा ये फैटम का बिल है, कहते नहीं ये फैटम से इसका ताल्लुक नहीं है, वो ख़त्म हो गया। एक यूएनएससी का बिल था, हमने कहा जी इसमें ये तरमीम आपको चाहिए, आपने गलत बनाया हुआ है, वो भी बात उन्होंने मान ली कि जी हमसे गलत बन गया। एक और बिल था एंटी टेररिज्म एक्ट का, जो उस यूएनएससी बिल से मुंसलिक था, उसमें भी गलतियाँ थी, वो भी हमने पॉइंट आउट कर दी। उसके बाद एक हुकूमत नैब का बिल ले आई, हमने कहा जनाब ये तो वही ऑर्डिनेंस है जो आपने जारी किया था, बल्कि उससे भी बुरा है। आप तो चेयरमैन नैब को ताहियात बनाना चाहते हैं या उसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि तुम्हें नई नौकरी दे देंगे। तो वो बिल फिर विड्रॉ हो गया। फिर सुबह एक नया बिल आ गया नैब का, और वो वही बिल था जो ऑर्डिनेंस आया था। और एक शिक थी जो कानून शहादत से मुकम्मल तौर पर मुतसादम थी। हमने कहा जनाब ये क्यों मजाक कर रहे हैं, अगर आपने नैब में तरमीम करनी है तो अच्छी बात है, नहीं करनी तो सारे घर चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी हमने तरमीम करनी है। मैंने तीन वफाकी वज़रा थे, दो एडवाइज़र थे, मैंने उनसे पूछा आपके पास इख्तियार है इस तरमीम के बारे में बात करने का, फैसला करने का? उन्होंने कहा जी है। मैंने कहा मेरे पास मेरी जमात का मैंडेट है, ये फारूक नायक साहब बैठे हैं इनके पास, इनकी जमात का मैंडेट है, जो बात यहाँ पर होगी वही होगी। हमने कहा जी ये बिल जो आप लाए हैं नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा जी कि फिर नैब ऑर्डिनेंस पर शिक बाय शिक बात कर लेते, और हर शिक पे जो आपकी तरमीम होगी हम सुन लेंगे, उसके पर हम नेगोशिएट कर लेंगे ये तरमीम काबिले कबूल है या नहीं है। ये 9 घंटे कल मीटिंग जारी रही, हमने शिक बाय शिक उनको बताया जनाब इस शिक में ये तरमीम चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वो तमाम बातें जो हैं वो एन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए उनके मुताबिक हैं, उससे पहली सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक हैं, और जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जो कमेंट्स दिए हैं। अब भाई साहब अभी तो ये आपके लिए माफ कीजिएगा मुकर्रर हूं, मगर ये कि अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि जिक्र किया, आपने जाहिर है जिन ऑब्जर्वेशन बाखिर की जो ऑब्जर्वेशन आप उनका जिक्र कर रहे हैं, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी ऑब्जर्वेशन है ना सर कि अब इनका फैसला होना चाहिए, 3 महीने के अंदर इन तमाम केसेस का फैसला होना चाहिए, और ये वरना तो एक सदी फैसला नहीं हो पाएंगे। बहरहाल ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बाकायदा इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकाम मौजूद हैं, आखिर उस पर भी तो अमल होना है ना कि इन फैसलों का अमल हो जाए, इन पर अब फैसला हो जाए, इसकी राह बनाई जाए कि 3 महीनों में इनका फैसला हो जाए। जी वो हम तो नहीं रोक रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन हैं वो ये हैं कि ये कानून गलत है, इस कानून में खराबियाँ उनको दूर करें। हमने उन खराबियों को दूर किया, इसको इंसाफ के तकाजों के मुताबिक बनाया, इसको इस्लामी कानून के मुताबिक बनाया, इसको आईन के मुताबिक बनाया। अगर उस उन तरामीम में से जो हमने सजेस्ट किए हैं, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, हमने कहा कि अगर आप इनको मुनासिब समझते हैं कबूल कर लें, नहीं समझते हैं तो बातचीत हो जाएगी। आज बातचीत होनी थी, अब हुकूमत ने आकर बताना था कि उनकी क्या तरामीम है या वो हमारी कौन सी तरामीम को कबूल करने को तैयार हैं। आज वो आए बड़े खसियाने से थे 5 अफराद, उन्होंने कहा जी हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। तो मैंने कहा यार आप पहले पूछ के आते, क्यों आपने वक्त ज़ाया किया हम सब का, तो बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। तो अब नैब कानून मौजूद है, तो अब उसको हम भी भुगतेंगे, ये भी भुगतेंगे। के हवाले से जो आपकी ऑब्जर्वेशन हैं और जो आपकी एक्सपीरियंस है यकीनन वो बहुत बहुत वैलिड है, लेकिन जो मामला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रियासत का मामला, FATF का मामला है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, FATF का एक्शन प्लान है, हमें अमल करना है। आप वज़ीर आज़म थे जब FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, अब हमें उसमें निकलना है। ये आपका, मेरा, पीपल्स पार्टी का, PMLN का, सबका मसला है कि हम पहले FATF से निकले, एक आवाज़ बन के चले। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मिफ्ता इस्माइल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो FATF मांग रहा है, वो कवानीन क्या हैं, उनको एक तरफ करके वो तो मंजूर कर लें सर, एक आवाज़ तो उनको दे दें कि हम इस पूरे मामले में एक है, फिर ये सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट करते रहे। अभी जो वाजह तौर पर ये लग रहा है कि आपने कहा है कि नैब वाली बात मानो तो ये हम FATF मानेंगे, यानी कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी जहाँ पर फंसी हुई है उसको एक ट्रेडिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल ना करें ना सर। मैं एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि
कि हुकूमत ने कहा था हम ये चारों बिल इकट्ठे पास करेंगे, एक बिल रिजेक्ट हो चुका है, वो फैटर से उसका ताल्लुक भी नहीं था, खौफनाक बिल था, इस मुल्क को तबाह कर देता। इसी तरह जो अभी इसके बाद ये एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल लाए हैं जो पहले सेनेट रिजेक्ट कर चुकी है, वो बिल भी बहुत गलत है, उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। हम यही कह रहे हैं कि इन बिल्स को आप कहाँ बैठे हुए थे ये सारा अरसा कि आज आखिरी दिन आपको याद आ गई है, इन बिल्स को हम डिस्कस करने को तैयार हैं। तो लेकिन आप बात करेंगे जब चाहे शाहिद खाकर भाई साहब, आप जब चाहें डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल जब चाहें एफएटीएफ से कंफर्म कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। आप लोगों के ज़माने में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया है ना कि जी ये लॉज हमारी हुकूमत चाह रही है, यही आपको चाहिए, तो उसको एक तरफ करके मंजूर तो कर लें सर, उसको तो मंजूर कर दें, ये तो पाकिस्तान का मामला है, ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। ज़माने में जो इस तसाहुल की वजह से हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, इसके हकायक बड़े तल्ख हैं, ये सारे ऑर्डिनेंस से भी हो सकते हैं, हकायक बड़े तल्ख हैं ग्रे लिस्ट के और ब्लैक लिस्ट के, ये इन दो बिल्स का मामला नहीं है, यकीन करें। आप मुझे बता दें, आप पढ़ लें जो एमएलए का बिल आया है, अगर आप उससे इतफाक़ करते हैं तो मैं भी कर लेता हूं, जो इकोनॉमिक टेररिज्म का बिल आया था आप उससे इतफाक़ करते हैं मैं भी कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जब भी बिल लाए जाते हैं वेट कर लीजिए भाई साहब, आप खुद वेट कर लीजिए कि ये एफएटीएफ की ये चीज़ें हैं नहीं, एफएटीएफ से कंफर्म कर लें, वो तो एक तरफ करके आप मंजूर करा लेना। नहीं, वो खुद कह रहे नहीं है, तो डन हुआ। अब बाकी चीजें जो हैं वो यकीनन आपका खुद कह रही है कि नहीं, वैलिड आपके रीजन हैं, वैलिड ऑब्जेक्शंस हैं। क्या हुकूमत कह रही है कि हमें खाली एफएटीएफ का नहीं करना है, हमने नैब भी करना है? क्या हुकूमत आर यू श्योर यही कह रही है? ये चारों बिल हुकूमत लेकर आई थी, हमने नहीं मांगे थे, चारों में से एक नैब का खात्मा हो चुका है, एक इकोनॉमिक टेररिज्म के बिल का खात्मा हो चुका है, दो माइनर से बिल हैं, उनसे वो फैटफ से वो मसला हल नहीं होगा, फैटफ के और मसाइल हैं। अगर आपने फैटफ पे बात करनी है तो एतमाद में लेकर पार्लियामान को बात करें, हम मुल्क को किसी के हाथों बेचना नहीं चाहते। जो इकोनॉमिक टेररिज्म का बिल था वो तबाही का रास्ता था, जो आज एमएलए आया है तबाही का रास्ता है। मैं तो इस मुल्क के जो सिक्योरिटी कंसर्न है आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको बेचना चाहते हैं। अगर वो एफएटीएफ से आपसे ज्यादा कौन जानता है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कैसे ये एफएटीएफ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी चीज उनको चाहिए कौन सी चीज उनको नहीं चाहिए? इनका मुंह काला करें, बताएं सारी दुनिया को कि उस कवर में ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जो एफएटीएफ को चाहिए वो तो चाहिए ना, लॉस तो आपने देने हैं। ये 27 पॉइंट्स का एक्शन प्लान आप ही को दिया था सर, इस पर अमल करना है ना कामरान साहब। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना आपको कि मैं जानता हूँ क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो कुछ इन कानून में लिखा हुआ है वो फैटफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आखिरकार एक बिल जो इकोनॉमिक टेररिज्म का ये लाए थे फैटफ की आड़ में, खुद इनको एडमिट करना पड़ा कि ये फैटफ का बिल नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हुकूमत झूठ बोलती है, इसका मसला सबसे बड़ा ये है, इनसे सच बोला नहीं जाता। आज आकर बताएं, कल पार्लियामान में बताएं, जो आज डेढ़ घंटा तकरीर की है फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, जो एक एतमाद के अंदर जो बातें एक कमेटी के रूम में हुई हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, वो आकर पार्लियामान में बयान की हैं, वहाँ पर ये बयान कर देते हैं कि मुझे इन बिलों की ज़रूरत है, मेरी मदद फरमाएं। हम नैब को ये रखना चाहते हैं, बड़ी खुशी से रखें, हम मुल्क के मुफाद में हर काम करने को तैयार हैं, हम मुल्क के मुफाद में ही नैब की मुखालफत करते हैं, ये गुजराती मुफाद के लिए नहीं है। मुझे यकीन है शाहिद खाकर भाई साहब, जब आप ये कह रहे हैं मुझे ज़रा सा भी डाउट नहीं है कि मुल्की मफाद को आपसे ज़्यादा कोई दूसरा सियासतदान ज़्यादा समझता नहीं है, आपसे ज़्यादा मुकदम नहीं है, और आप यकीनन इस चीज़ को ज़रूर सामने रखेंगे कि ये एफएटीएफ वगैरह के जो मामलात हैं इससे हमें निकलना है, हमें इस ग्रे लिस्ट वगैरह से छुटकारा हासिल करना है। हुकूमत आएगी जाएगी, आपकी हुकूमत में ये ग्रे लिस्ट में चला गया, इस हुकूमत में निकल जाएगा, आइंदा हुकूमत को इससे फ़ायदा होगा, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मुझे आपकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है, मुझे यकीन है कि इस मामले को कम अज़ कम जो ये नेशनल सिक्योरिटी के प्योर मामलात हैं आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, उसको तो यकीनन मुकदम रखा जाएगा। थैंक यू सो मच इंडीड, एक बार फिर आपने ज्वाइन किया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर।